दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी बेकर सौरभ। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं जा रहा हूँ लखीमपुर पुखरी फिर से, और आज मेरे साथ जाने वाले हैं बिल्टू दा। मेरे धन्नों पे एक साथ जाएंगे। सबसे पहले बिल्टू दा को उठा के लाते हैं उनके घर से। और ये पहुँच गए हम बिल्टू दा के घर। ये रहा बिल्टू दा, पहले से ही रुका हुआ है मेरे लिए। तो चले चलो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ढांसू होने वाला है। आप लोग बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा तक देखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मौसम भी अभी ठीक ठाक ही है। सूरज चचुआ अभी बादल के पीछे ढक गया है। इसी मौसम का फ़ायदा उठा के मैं और बिल्टू दा चले अपने मंजिल की ओर, लखीमपुर पुखरी। वहाँ जाके मैं ड्रोन शॉट्स लूँगा, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वहाँ का व्यू। आगे और एक बार भी मैं गया था लखीमपुर पुखरी। वीडियो है मेरा इस चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो का लिंक दे देता हूँ। और उस टाइम मैं, सनी भाई और गुंजन भाई गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, इसलिए हम लोग वहाँ प्लांटेशन करने के लिए गया था। और आज हम लोग वहाँ जाके आप लोगों को अच्छा से व्लॉग बना के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरे पास ड्रोन नहीं था, ना ही अच्छा कैमरा था, मोबाइल से मैं व्लॉग बनाया था। इसलिए आज जाके मैं आप लोगों को टोटली वहाँ का व्यू और क्या क्या है, कैसा है, सब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए ये वीडियो आगे तक। यहाँ से हम लोग कुकराकाटा जाएंगे, वहाँ से शॉर्टकट ले लेंगे लेफ्ट की ओर। रास्ता भी अच्छा है, और आप लोग कलाईगांव होके भी जा सकते हो, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ ये रास्ता। 2-3 किलोमीटर लॉन्ग कट हो जाता है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है। और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग लेफ्ट, और थोड़ा आगे जाके हम लोगों को रास्ता पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, रास्ता भूल गया, लास्ट बहुत दिन पहले गया था, इसलिए पूछ कर जाना पड़ेगा। अरे यार हटो, बाप का सड़क है क्या? आप लोग वीडियो आगे तक ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आज का ब्लॉग देख के। तो देखते रहिए आगे तक। और दोस्तों, टंगला से लखीमपुर पुखरी लगभग 17 से लेकर 20 किलोमीटर तक है, 17 से लेकर 20 किलोमीटर तक है। आप लोग अगर टंगला कुकराकाटा होके जाओगे तो आप लोगों को अच्छा रास्ता मिलेगा। आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों, कि मुझे ना गांव में राइड करके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं, कोई झंझनाहट नहीं, ट्रैफिक नहीं है, इसलिए बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ चला के। और दोस्तों, ये जो रोड है, आप लोग यहाँ से सिपाजार, गुवाहाटी सब जगह जा सकते हो। और कुछ ही दिन बाद यहाँ शॉर्टकट हो जाएगा, आप लोगों को कलाईगांव मंगलदेव होकर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आप लोग शॉर्टकट ले सकोगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो रास्ता बना रहा है यहाँ, आशा करता हूँ कि 1-2 साल में ये रास्ता पूरा हो जाए, तब हम लोगों को बहुत शॉर्टकट हो जाएगा गुवाहाटी जाने के लिए। लगभग 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक शॉर्टकट हो जाएगा ना बिल्टू दा? हाँ। और ये देखिए दोस्तों, नेचर का व्यू कितना सुंदर है। आगे खेती पथार, और आसमान देखिए बादल छाया हुआ है। इसी तरह हम लोग मौसम का फ़ायदा लेते हुए आगे की ओर चलते हैं, हम लोगों के मंजिल की ओर, लखीमपुर पुखरी। और वहाँ जाके मैं आप लोगों को ताबड़तोड़ वाला ड्रोन शॉट्स लेके दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दोलंग घाट, और दोलंग घाट से ले लेंगे हम लोग लेफ्ट। पहले टंगला से तो आप लोगों को सीधा आना पड़ेगा, कुकराकाटा से लेफ्ट लेकर सीधा आना पड़ेगा, फिर दोलंग घाट चौक आता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आगे जाके एक चौक आएगा, और चौक आने से पहले ये ब्रिज आएगा,
अभी शॉर्टकट हो ना, शॉर्टकट हो जाए बेटो सेट ना, ठीक है सर, थैंक यू। और दोस्तों ये हम लोग पहुंच गए लखीमपुर पुखड़ी, और मैं आगे जाके यहाँ का एंट्रेंस दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए कितना बड़ा लेक है, और ये रहा लखीमपुर पुखड़ी का एंट्रेंस। यहाँ रुक के थोड़ा फोटो शोटो खींच लेते हैं, फिर उड़ाएंगे ड्रोन। दोस्तों आप लोगों को ड्रोन शॉट्स तो दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। और यहाँ जो आर्ट किया हुआ है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए। दोस्तों ये था यहाँ का एंट्रेंस गेट, जो कि बहुत सुंदर आर्ट किया हुआ है। यहाँ आप लोगों को दिखा दिया और ड्रोन शॉट भी दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा ड्रोन शॉट्स देख के। और ये रहा बिल्टू दा, ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है, अगर कभी आप लोग सामने का हो तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। और आप लोगों को ये लेक दिखा देता हूँ, देखिए इतना सुंदर व्यू है। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। आज मेरा प्लानिंग नहीं था बाहर निकलने के लिए, फिर मेरा मन ने कहा क्यों ना बाहर जाके थोड़ा ब्लॉग बना दूँ, इसलिए मैं और बिल्टू दा आ गया हूँ इस जगह पर। पहले भी आया था, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, और आके मज़ा लगा, अच्छा लगा बहुत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, अपने भाई को दिल से सपोर्ट कर देना, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मुझे, आपका ही भाई हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।